नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश के इंदौर में बढ़ते कोरोना का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के आपसी मतभेद के चलते बिगड़ती स्थिति को सुधारने के लिए तुलसी सिलावट ने पारिवारिक मतभेद बताते हुए जल्द समस्याओं को हल करेंगे, डॉक्टरों को भगवान कहा। इंदौर में पिछले दिनों महिला स्वास्थ्य अधिकारी पूर्णिमा गडरिया द्वारा कलेक्टर मनीष सिंह के व्यवहार से आहत होकर सार्वजनिक रूप से इस्तीफा देने के बाद पूरा स्वास्थ्य विभाग अब रोड पर उतर आया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कलेक्टर के इस्तीफे सहित अन्य व्यवस्थाओं को डॉक्टर के अनुकूल बनाने को लेकर डॉक्टर आक्रोश में नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर शहर के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि अभी संकट का समय है और स्वास्थ्य व जिला प्रशासन को परिवार बताते हुए परिवार में आपसी मतभेद होते हैं, लेकिन इन मतभेदों को जल्द समाप्त कराने की कोशिश की जा रही है। व्यवस्था विभाग के अधिकारी लगातार मेरे संपर्क में हैं और जल्द ही उनकी मांगों को लेकर उन्हें आश्वस्त किया जाएगा। डॉक्टर भगवान के रूप में और उनके सम्मान की रक्षा का मेरे ऊपर पूरा दायित्व है, इसको लेकर डॉक्टरों से चर्चा निरंतर जारी है। बता दें, कलेक्टर मनीष सिंह के व्यवहार पर ये पहली बार कोई सवाल या निशान नहीं खड़े किए गए हैं। इससे पहले भी कई अधिकारियों द्वारा कलेक्टर के व्यवहार को अधिकारियों ने गलत ठहराया है। खैर, देखना यह होगा कि शहर में स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करता है। महामारी का समय, परिवार में आपस में वाद विवाद होते हैं पर लड़ने का समय नहीं, संयम और धैर्य का समय। मैं तो मेरे डॉक्टर जो उसको हम इस ईश्वर के बाद उस ईश्वर के बाद इनको ईश्वर समान सम्मान करते हैं। मुझे डॉक्टर की भी आवश्यकता है, सर हमले की भी आवश्यकता है, हर व्यक्ति की आवश्यकता है। अभी लड़ाई करने का, अपनी सेवा करने का अवसर है। मैंने उनसे उनके सम्मान की रक्षा करने की जवाबदारी भी ली है और मैं उनको आश्वस्त कर चुका हूँ और मेरा संवाद निरंतर जारी है और इसका निराकरण अति शीघ्र हो जाएगा। अभी कोई आश्वासन आया था कि हॉस्पिटल से ले रहे हैं, जा रहे हैं, अपना लेकर काम बंद करने का? नहीं नहीं, अभी मेरा संवाद निरंतर जारी है, मैं उनकी पूरी मदद करूँ। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और